उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। हाथों में तख्तियां लेकर के कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर जुटे और जमकर नारेबाजी की। लगभग डेढ़ दर्जन विधायकों ने कुपोषण के मुद्दे पर विधानसभा के गेट पर जमकर हंगामा किया, जो पोषण आहार में गड़बड़ी और कुपोषण सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कांग्रेस विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार किए गए प्रश्नों का जवाब ठीक से नहीं दे रही है और यही वजह है कि उन्हें विधानसभा के बाहर आकर अपनी बात को इस तरह से उठाना पड़ रहा है। जब गेट नंबर एक से ये विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे, उसी समय पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ। फिर विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक जो है वो पैदल मार्च पर निकले हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, और देख सकते हैं हाथों में विधायकों की तख्तियां हैं जिसमें लिखा है कि भूखे बच्चे करे पुकार, और जो राशन है उस घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए हैं, कुपोषण को लेकर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्योपुर जिले के दौरे पर हैं, श्योपुर जिले के कुपोषित के जो मामले हैं कुपोषण के, उनको लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर, और यही वजह है कि अब जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। अब प्रदर्शन की क्या वजह है? राशन खा गए, पी गए तेल, उसके बाद में ये बड़े बड़े घोटाले कारनामे करे इन्होंने, उसके खिलाफ हमने प्रश्न लगाए, प्रश्न नहीं आने दे रहे हैं। इस प्रकार से अत्याचार कर रहे देश की, प्रदेश की पब्लिक पे। आज बच्चों का राशन खा गए, तेल इतना महंगा कर दिया इन्होंने, है ना, और पोषण आहार खा गए, और कई प्रकार के भ्रष्टाचार कर कई बार मुद्दे आप विधानसभा में उठाए नहीं रहे, बाहर प्रदर्शन, हम विधानसभा में उठा रहे, हमारे प्रश्न नहीं आने दे रहे, ध्यान आकर्षण नहीं ले रहे, ये विधानसभा नहीं लगा रहे, विधानसभा में मामले सरकार उठाने नहीं दे रही, ये आरोप है कांग्रेस का, और यही वजह है कि आज कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने निकली है। कल भी किसानों के मुद्दे को लेकर लहसुन की बोरियां लेकर कांग्रेस के विधायक जो हैं वो विधानसभा के गेट पर पहुंचे थे और वहां प्रदर्शन किया था। सर क्या मांग है, आखिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा घोटाला सामने आया है जिसमें सीधा जो कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, जो कुपोषित बेटियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पोषण आहार के साथ जो दलाल भाजपा के हैं, जो मंत्री शिवराज भाजपा के हैं, महाराज भाजपा के हैं, उन लोगों ने गरीबों के पोषण आहार को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। अफसोस की बात यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी श्योपुर जिले आ रहे हैं 17 तारीख को, और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे अगर हैं तो श्योपुर जिले में है। हमारी मांग रहेगी कि 17 तारीख को मोदी जी चीताओं की बात ना करें और जो कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के हैं उनके बारे में बात करें और जनता को उत्तर दें कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके मंत्री हैं, और उनकी निगरानी में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, कौन कौन दलाल हैं ऐसे भाजपा के जो बच्चों के पोषण आहार को बेचकर इतना पैसा कमा रहे हैं, कौन कौन से भाजपा के मंत्री इसमें शामिल हैं। ये घोटाला ऐसा घोटाला है जिसमें महिला बाल विकास विभाग भी शामिल है, पंचायत ग्रामीण विकास भी संबंधित है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुपोषण मामले में, कुपोषण के मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कांग्रेस का आरोप है, और यही वजह है कि यहाँ पर पूरा विरोध प्रदर्शन घेराव विधानसभा का कांग्रेस के विधायक जो है वे करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। सवाल इस बात का है, पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है,
और करोड़ों रुपए का बजट प्रतिवर्ष आता है और शिवपुरी मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषित के लिए जो बच्चे हैं हर प्रतिवर्ष अभी दो माह पूर्व भी एक बच्चा कुपोषण कार्य उसकी मौत। और जो कराल ब्लॉक में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में नहीं पूरा विश्व में कुपोषण का शिकार है। 27,000 कुपोषण है, कई बच्चा बच्चों की मौत हो चुकी है, अभी 5,000 से अधिक बच्चे कुपोषण में हैं। तो मैं जन्मदिन और चीता की बात नहीं करता हूं, मैं दुख में हूं और मैं दुख का शोक मनाऊंगा। 17 तारीख को मैं खुद और मेरी कांग्रेस दुख का शोक मनाएंगे। ये कांग्रेस का निर्णय है, कांग्रेस सदैव से विद्रोह की और एक तरह से एक स्थान विशेष की पाने के लिए जमनी लगातार गिरती भी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है और आज दुनिया के सबसे अग्रगण्य नेताओं में से माननीय प्रधानमंत्री हैं और पूनो में आकर के वो एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का वन्य प्राणी हमारे यहाँ आ रहा है। ऐसे में हम सब मिलकर स्वागत करना चाहिए। रही स्थानीय मुद्दों की बात तो हम और वो सक्षम है आपस में, हम सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं और वो विपक्ष के लोग हैं, वो अपना काम करें हम हमारा काम करेंगे।